ये पोलो 1.2 TDI है, ये कवर है, टाइमिंग कवर, इसको निकाल रखा है मैंने। इसमें प्रॉब्लम क्या आई है इसके बारे में जानते हैं। ये देख रहे हो आप, ये बेल्ट है, टाइमिंग बेल्ट, मुझे लगता है टूट गई है। हाँ टूट गई है, बेल्ट टूट गई है, और किस कारण से टूटी है वो भी जानेंगे, और इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका उपाय क्या है, इस वीडियो में जानेंगे, और इसके टूटने से क्या क्या खर्च हो सकता है वो भी जानेंगे। तो अभी मैं इसको दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये नीचे से टूट गई थी। ठीक, इसमें देखेंगे, अगर ये हो जाती है तो बढ़िया है, वेल एंड गुड है। स्टार्ट इस कंडीशन में हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो इसमें जो खर्चा आता है वो तो आता ही है, अच्छा खर्चा आता है, मज़ेदार खर्चा आता है। तो चेक करेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम आई थी। ये देख रहे हैं आप, ये टेंशनर है इसका, जो कि वी वेल्ट का ऑटोमेटिक टेंशनर है, एडजस्टर है, ये वी वेल्ट चलती है इस पर। इसकी बैरिंग जाम हो गई थी और चेंज नहीं करवाया होगा, इसका शेड्यूल होता है, हम अपने सारी वीडियो में शेड्यूल भी बता देते हैं कि क्या है, किस गाड़ी का क्या शेड्यूल है वो भी देखते हैं, और इस अल्टरनेटर को देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आई है। अल्टरनेटर में भी प्रॉब्लम है इसमें, इसकी मैंने एक अल्टरनेटर की वीडियो बना के दे दी है कि आप कैसे पहचानोगे अल्टरनेटर ख़राब है। तो मैं तो इसको अभी घुमाया, मुझे पता चल गया ये अल्टरनेटर की पुली ख़राब है, इसका क्लच ख़राब हो गया है, तो मैं इसको घुमा के चेक कर लिया हूँ। और भी चेक करते हैं एसी कंप्रेसर को, एसी कंप्रेसर में घुमा के देखूँगा, और उसके बाद जितनी भी ये टाइमिंग की बैरिंग है इसको भी चेक करेंगे। टाइमिंग की बैरिंग तो जल्दी से ख़राब नहीं होती, वह बेल्ट टूट जाती है, और वो भी गलती से, कस्टमर की गलती से होता है, मेंटेनेंस फॉलो नहीं करते, और आगे जो कंडीशन अंजाम बुरा ही होता है। ये देखो यहाँ फंस गई हुई है, फंसी हुई है सारी वी वेल्ट इसमें आकर फंस गई है, इसको खोल के निकाल दिया है मैंने कवर को, और ये देखो क्या हालत है। ठीक, ये देखो किस तरह से बेल्ट टूटी है और किस तरह से ये रखी हुई है, आप देख लो। देखो फंस गई अच्छे, मतलब ये जो टेंशनर टूटा है जिसकी वजह से ये बेल्ट टूट गई है, इसको हर 60,000 पे चेंज करते हैं। कितने सामान, कितने पार्ट को डैमेज कर सकता है। चलो इसको साफ करते हैं, साफ करेंगे और इसमें क्या क्या हो सकता है उसके बारे में भी जानेंगे। पहले तो इसकी टाइमिंग मिलाएंगे, यहाँ से क्लीनिंग करेंगे पूरी, हम इसको साफ करेंगे और ये बेल्ट को निकाल देंगे। निकाल लेते हैं इस बेल्ट को और क्लीनिंग करते हैं, इसकी टाइमिंग सेट करते हैं। पहले वाटर पंप चेक कर लिया हमने, वाटर पंप ठीक है पर कंडीशन ओके ज़्यादा नहीं है, इसको भी चेंज करेंगे। तो ये सारी सफाई कर ली, अभी हमें नीचे से टाइमिंग सेट TDC पे करना है, इसको TDC पे करके और फिर ऊपर कैम की टाइमिंग सेट करेंगे। यहाँ इन बैरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ज़्यादातर ये बेल्ट में प्रॉब्लम आती है। तो जितना कचरा था मैंने साफ कर दिया है, अब इसकी एक बार टाइमिंग सेट करके देखते हैं कि क्या होता है। अगर सही कंडीशन में रही तब तो समझो बच जाएंगे, नहीं तो इसका फिर हेड खुलेगा, जो भी है इसमें हेड का काम होगा, बाल रोकर चेक करने पड़ेंगे, केम भी चेक करनी पड़ती है, कंडीशन में घूम सकती है। तो ये अभी रुक नहीं रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा जंप आ रहा है, तो मैं इसको कर लेता हूँ। मैं घुमा रहा हूँ तो कभी इधर भाग जा रही है पुली, तो कभी उधर, तो अकेले या तो मैं कैमरा ही दिखा लूँगा या तो फिर इसको ही कर लूँ। पहले मैं इसको कर लेता हूँ, ये देखो यहाँ मैंने लॉक कर लिया,
और TDC पे है, TDC पे हमने कर दिया है, और यहाँ पंप के मार्ग पे है, पंप का जो लॉक करने का जो, अब मैंने यहाँ टाइमिंग बेल्ट लगा दी है, ये देख रहे हैं आप, जिसकी वजह से टाइमिंग बेल्ट स्टार्ट कर दी है, पर इसमें लॉकिंग आ गई है और दोबारा बंद करके इंजन मिसिंग कर रहा है। ये देखो कितना लॉकिंग है, इंजन हिल रहा है बहुत ज़्यादा। इसका हेड खोल के पूरा काम करना पड़ेगा क्योंकि इसमें ब्लैक स्मोक है। अब आवाज़ सुन सकते हैं आप, इसका काम किया मैंने, हेड खोला पूरा, और इसकी कैम बैंड हो गई थी, कैम का कैम इसमें दूसरी लगाए हैं, रोकर एक दो टूट गए थे वो लगाए, बाकी आवाज़ सुन सकते हैं आप। कूलेंट इसमें नया चेंज करना है, बोतल साफ करनी है, बाकी हमें तो अच्छी लग रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट क्लास है, एकदम साइलेंट है, कोई स्मोक वो स्मोक नहीं है, कोई फर्स्ट